हेलो फ्रेंड, मेरे खादिली से मेरा यूट्यूब चैनल वाटिका। फ्रेंड, जो आपको जेट प्लांट दिखा रही हूँ, ये मैंने खुद कटिंग से ही एक दूसरे से ही इसको मल्टीप्लाई करके मैंने इसको बॉन्साई बनाया है। और मैंने अभी इसको बनाए हुए फ्रेंड मेरे को 2-3 साल हो गए, जो बड़ी ट्रे में लगा हुआ है। ये भी मैंने गमला फ्रेंड इसके लिए खुद बनाया था सीमेंट से घर पे। मैंने खासकर इसी पौधे के लिए बनाया था क्योंकि ये पहले किसी दूसरे पॉट में लगा हुआ और वो अचानक से टूट गया। फिर मैंने इसको घर पे इस गमले को बनाया। ये ट्रे में फ्रेंड 3 साल से लगा हुआ है बोनसाई बनाने के लिए। इसके मेरे के यहाँ से टहनियाँ निकलने लगी थी तो जो मैंने काट दी है फ्रेंड। काट मैंने पहले इसलिए दी क्योंकि मैंने कैंची से काटा ना, तो एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा था, इसलिए मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये फ्रेंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो फ्रेंड, मैंने इसको ऐसे इसको बोनसाई बनाया खुद। और इस बहुत छोटी सी ट्रे फ्रेंड जो मैंने इसमें ये लगाए हुए हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई जेट प्लांट का पौधा है, उससे आप कटिंग कर करके इतने खुद बना सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हुए। हमें अपने पेड़ों से प्यार होता है तो हम इतनी अच्छी देखभाल उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, ये मेरा एक था, ये बच्चों की गुल्लक बोलते हैं इसको, इसका मैंने टूट गया था तो मैंने इसको में भी लगा दिया। ये भी फ्रेंड 1 साल हो गया इसको इसमें लगाया हुआ और देखो फ्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है ये इसमें भी। ये इतना हार्डी होता है कि इसको जब भी चाहे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई सीजन होगा हम तभी इसको लगाएं। फ्रेंड ट्रे वाला है, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ किसी दूसरे पॉट में, जब मेरे पास अच्छा से कोई पॉट होगा उसमें लगाऊंगी। फ्रेंड देखो, ये भी मैंने ऐसे ही इसको बोनसाई बनाने के लिए कोशिश की है अच्छा सा। इसकी ये लंबी टहनियाँ इसको फ्रेंड काटूंगी। फ्रेंड ये पौधा बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलेगा, बहुत अच्छा चलता है कटिंग से और उसको कभी भी हम लगा सकते हैं। इसके लिए कोई सीजन नहीं है कि सर्दी में लगाएं, गर्मी में या बारिश में, जब मर्जी इसको लगा सकते हैं। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ फ्रेंड देखो बहुत अच्छी हैं। फ्रेंड इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं देती, बस इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डाला है, वर्मी कंपोस्ट का, वो भी 15 दिन के करीब हो गए तभी डाला था। फ्रेंड इसको भी मैं बोनसाई ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो फ्रेंड ये भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड मैंने छोटे भी पोटों में भी लगाया हुआ है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है। इसकी जो कटिंग बचती है मैं छोटे छोटे सभी पोटों में लगा देती हूँ। अगर आपके पास भी अगर ऐसा है तो आप लगाओ। हम इसको किसी और भी बहुत टेबल पे भी रख सकते हैं, अच्छे पॉट में लगा के रूम में भी रख सकते हैं, बेडरूम में रख लो, खिड़की पे रख लो, कहीं पे भी रख लो फ्रेंड, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे अच्छा तो फ्रेंड ये है कि मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए, बस एक ही बारी पौधे को ख़रीदा और उसी से ही सबको मैंने ऐसा बनाया। अभी नया शौक नहीं है फ्रेंड, ये बहुत पुराने हैं पौधे ये। और ये दोनों ही गमले फ्रेंड मैंने खुद सीमेंट से ही बनाए हैं घर पे। फ्रेंड
फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।